नमस्कार मु तपन। पृथ्वीर सबुठू पावरफुल नेता व्लादिमीर पुतिन तांको मुंडरे प्रकृत में कौन चली कही भी कही पारु नहांती। कारण निकटरे तुर्की शेष होइथिबा शांति आलोचन से कहिथिले जे उत्तेजना कम करिबे बोली, किंतु एबे जहां युद्धभूमि खबर आसुछि सेथिरे से एपरी किछि करिबा भली लागुनाही। सेबटे रुषिया समर नीति को नहीं एबे सबुआडे नुआ नुआ कथा सामना को आसुछि। जना पड़ी जे महासागर रे रुषिया रचिछि नुआ चक्रव्यूह, युक्रेन विरोध में रचा जाइछि बारूद षड्यंत्र, कृष्ण सागर रे रचा जाइछि एक भिन्न चक्रव्यूह। पांच सप्ताह पर भी थमुनी युद्ध, फेरुनी शांति, पछक हटवाक नाराज युक्रेन और रुषिया। शांति लगे कथबार्ता जारी रही। रुषिया घोषणा करथिला युद्ध उत्तेजना कम करिब, किंतु यहा भितरे आउ एक खबर सामना को आसी। एबे सामना को आसी रुषियार नुआ प्लान। जना पड़ी पुटिन को सेना आरंभ करी ऑपरेशन ब्लैक सी। युक्रेन युद्ध को पांच सप्ताह बीतला, संपूर्ण बर्बाद होगला युक्रेन। पुतिन को लागि एबे कर बा मर स्थिति, हेले केही भी पछक हटिबा को नाराज। शांति लागि कथबार्ता भी फल देउनी। आलोचनारे गोटिए कथा, कामरे आउ गोटिए। एबे सामना को आसी रुषिया रो नुआ प्लान। महासागर रे रुषिया रचिछि नुआ चक्रव्यूह। युक्रेन विरोध रे बारूद षड्यंत्र। कृष्ण सागर रे विस्फोरक चक्रव्यूह। पुतिन को सेनार ऑपरेशन ब्लैक सी। रुषिया युक्रेन मध्य युद्ध को बीतला 36 दिन। युद्ध थमार ना ने बर दिन कु दिन अधिक जोरदार आक्रमण, अधिक रु अधिक व्यापक होनाशलीला। सबु प्रकार मध्यस्थता फेल मारुछि। शांति आलोचन रे निष्कर्ष गोटिए बाहरुछि, किंतु युद्ध मैदान रे काम अन्य प्रकार करा जाउछि। समस्त शांति कथबार्ता मध्य रे युक्रेन उपरे रुषिया आक्रमण रो प्रभाव कमिबार ना नेउनी। यहार जवाब रे युक्रेन रो सेना भी पुतिन को आर्मी को जोरदार प्रतिआक्रमण करिबारे लागिछन्ति। युद्धर एक प्रकार स्थित युक्रेन रुषिया उपरे लगाई एक बड़ संगीन अभियोग। युक्रेन अभियोग है रुषिया समुद्र पथरे युक्रेन सेना विरोध में रचिछि एक सांघातिक षड्यंत्र, जहार उद्देश्य समुद्र जरिया रे चलीथिबा व्यवसाय को ठप कर देबा। युक्रेन रो दाबी हेउछि रुषिया एहा एथिलागी करिछि जे समुद्र पथरे युक्रेन को जेउ सबु सहयोग मिलुछि से सबु सहयोग को शीघ्र बंद करा दै पारिबो। एथिलागी युक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की एही प्रसंग रे रुषिया को घेरिबा आरंभ करिछन्ति। केवल एतिक नुहे, यही प्रसंग रे यूरोप समेत अन्य देश को मध्य हस्तक्षेप करने को अनुरोध करिछन्ति जेलेंस्की। युक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ठीक एमिती समय रे यही प्रसंग को उठाई, जेतेबेले अमेरिका मात्र किछि घंटा पूर्वरु मिलित जातिसंघ रे यही प्रसंग को नहीं
रुषिया नारे आनिथिला अभियोग। प्रकृतरे अमेरिका रुषिया विरोध रे एही अभियोग करछि जे रुषिया युक्रेन रो बंदर गुड़ी को अनैतिक उपाय रे कब्जा करिबारे लागिछि। अमेरिका दाबी करछि जे युक्रेन लागि सहाय्य सामग्री नेउथिबा 94 टी जहाज को रुषिया निज कब्जा को नै जाइछि। कृष्ण सागर रे पुतिन को षड्यंत्र कथा नाटो भी उठाइछि। नाटो अभियोग आनी जे रोमानिया और तुर्की उपकूल विपुल परिमाण विस्फोरक जबत हो एथिलागी एबे युक्रेन चाहूँ कृष्ण सागर रे रुषिया जो बारूद चक्रव्यूह प्रस्तुत करी यूरोप समेत दुनिया अन्य देश ध्वस्त विध्वस्त करंतु। कृष्ण सागर रे पुतिन को एही चक्रव्यूह सफल होगा आगु नष्ट कारण युक्रेन एक कथा भल भाव जाने जे जदि कृष्ण सागर माध्यम होता कारबार को रुषिया अटकई दिए तेबे युक्रेन को साहाय्यकारी देश तो पछकू हटिजे किंतु तापर युक्रेन एक युद्ध में संपूर्ण भाव एक घरिकिया हो। देशर अर्थनैतिक स्थिति अधिक बर्बाद होइजिबो। एही कारणरु जेलेंस्की केवल यूरोप कि नाटो नुहे विश्वर अन्य देशगुडिकु मध्य एकाठी हेबाकु आह्वान देइछन्ति। एबे युक्रेनर अभिजोगकु अमेरिका भी ठीक बोली कहिछि। केवल सेतिकि नुहे आउ टिके आगोकु जाइ अमेरिका अभिजोग करिछि जे रुषिया 94 जहाजकु कब्जाकु नेइछि। तेणु रुषिया विरोध में युक्रेन अमेरिका और नाटो एकाठी स्वर उठाई दावी करी रुषिया विरोध में सारा विश्व एक हो। ऑपरेशन ब्लैक सी रो भयंकर दृश्य कृष्ण सागर में विस्फोरक धूमाल एक सांगरे अनेक मिसाइल माड़ सीधा सड़ख बड़ बड़ प्रतिष्ठान को टार्गेट निज शक्ति संपर्क में जनवाक उद्देश्य। प्रथम मिसाइल द्वितीय मिसाइल तृतीय मिसाइल चतुर्थ मिसाइल आउ एही चारि मिसाइल निज निज लक्ष्यस्थल अभिमुखे चलिले। टार्गेट हेउछि दक्षिण युक्रेन रो चारिटी शहर मिकोलिव मारियुपोल खेरसान और ओडेसा। चारिटी जाक शहर रे जारी हला मिसाइल अलर्ट किंतु युक्रेन यहा विरोध रे किछि करि पारिबा भली अवस्था रे नाही। आउ थरे पूर्ण देखंतु एही मिसाइल रो प्रभाव किभली भयंकर थिला। एही मिसाइल केते भयंकर थिला तार परिणाम ही जना पड़गला। एही मिसाइल मिकोलिव शहर रे किभली विनाश लीला रचिछि ताकु भल भाव देखंतु। युक्रेन ने एबे यहाठारु अधिक भयंकर मिसाइल माड़ पूर्वरु होइनथिला। एहा एभली प्रथम मिसाइल आक्रमण जहां शहर एक बड़ हाईराइज बिल्डिंग रे करी एपरी एक बड़ धरण क्षति। यह हेउछि मिकोलिव रे एक सरकारी कोठा। यह जो भली क्षतिग्रस्त होइछि सेथिरु अनुमान करी हेबो एही मिसाइल केते शक्तिशाली। यह थिला एक 10 महला कोठा जोथिरे रुषिया मिसाइल एभली जोरदार माड़ करथिला जे एबे कोठा आरपट को एपट रु स्पष्ट देखा दाउछि। तेणु अनुमान करा जाई पारे जे एही मिसाइल केते शक्तिशाली थिला। एही बिल्डिंग रे थिला 400 रु अधिक रूम। एही बिल्डिंग रा मझी भाग रे सृष्टि होइथिबा एते बड़ खाली स्थान को देखि ठीक बुझि हेउथिबा जे एसबु रूम रा अवस्था किभली थिबो।
ବିଲ୍ଡିଂର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଅଂଶ ଏବେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଝରକା ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ହୋଇଛି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ଆଉ ଠିକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ଏହାର ଢାଞ୍ଚା ବଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଏ ମିସାଇଲ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଏହାର ବେଗ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ଏହା କେତେ ବେଗରେ ଏହା ବିଲ୍ଡିଂ ଦେହରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହା ଥିଲା କାଲିବର କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ମିସାଇଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଡେଣା ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି କାଲିବର ମିସାଇଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମିକୋଲିଭ୍ରେ ପ୍ରାୟ 9ଟା ବାଜିଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁଷିଆ ମିକୋଲିଭ୍ରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଯେ ଏହାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରି ରୁଷିଆ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରୁଷିଆ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ। ବୋଧହୁଏ କିଭ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଏବେ ରୁଷିଆର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହେଁ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ଉପରେ ଏବେ ରୁଷୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକର 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରହିଥିବ। ସେହିପରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମିକୋଲିଭ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କାଲିବର କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ର ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଓ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରୁଷିଆ, କାରଣ ଏହା ବିରୋଧରେ ଏଯାଏଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସମୁଦ୍ରରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧପୋତରୁ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ କିପରି ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ କାଲିବର ମିସାଇଲ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ରେଞ୍ଜ 50ରୁ 2500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ଅନେକ ଭର୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଥରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଏହା ଟ୍ରାନ୍ସସୋନିକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପରସୋନିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଏହା ଟାର୍ଗେଟ୍ର 3 ମିଟର ପରିସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ହିଟ୍ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଟେରେନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ମିସାଇଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠ ବା ଜଳଭାଗର ମାତ୍ର କିଛି ଉପରେ ଉଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ତାର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ, ତାପରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିଟ୍ କରିଥାଏ ମିସାଇଲ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିର୍ଭର କରେ ଏହାର ୱାର୍ହେଡ଼୍ରେ ବା ଏଥିରେ ଥିବା ବାରୁଦର ପରିମାଣ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ରୁଷିଆ 250ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ କାଲିବର ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯଦି ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିରେ କାଲିବର ମିସାଇଲ୍ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ମିସାଇଲ୍ ଏକକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଏପରି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ବଦଳିଯିବ ଯୁଦ୍ଧର ମୋଡ଼। ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣ ସାଗର ପାଲଟୁଛି ନୂଆ ରଣକ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ସାଗରକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯେ ଏବେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୋଧରେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ,
आभली स्थित उभय रुषिया और युक्रेन लगी बेस गुरुत्वपूर्ण हो पड़ी ब्लाक सी। कहीं उभयों लगी कृष्ण सगर एत गुरुत्वपूर्ण कहीं कृष्ण सगर में पुतिन आक्रमण को नहीं एका बेले स्वर उठाई युक्रेन आमेरिका और नाटो केवल से नुहे एमाने मध्य एक कथा भी दावी करिसेंति जे एथिलागी अन्य माने सेमानक साथीरे आसीबाकु बे आवश्यकता रहिछि। एहा पछरे प्रकृत कारण कोन आसुन जानिबा एही रिपोर्ट रे। कृष्ण सागर रो जल रे बारुदर गंध डोनबास को लुहान्स थारु बेस दूर रे रुसिया तटरेखार मात्र स्वल्प अंश रहिछि ब्लाक सी रे। तथापि रुसिया लागि काहे कि गुरुत्वपूर्ण ब्लाक सी काहीं कृष्ण सगर को आरंभ रु जगी रुषिया के पुतिन कर यही ऑपरेशन ब्लाक सी सारा दुनिया रे सर्वाधिक समुद्र उपकूल रही रुषिया रुषिया पाखे रही प्राय 40,000 किलोमीटर दीर्घ समुद्र तट यह हूँ भारत तटरेखा तुलन में 5 गुणा अधिक किंतु जार अधिकांश भाग रही आंटार्कटिका अंचल जहाँ वर्षर अधिकांश समय बरफरे भरा अर्थात यही अंचल को वर्षर सबु समय जहाज जावास लगी व्यवहार करेणु रुषिया बंदर सबू देशर उत्तर उपकूल लाभदायक नुहे तेणु यही उपकूल बंदर और पण्य कारबार निहाती नगण्य बड़ बड़ पण्यवाह जहाज चलाचल करने लगी रुषिया को उष्म सामुद्रिक बंदर आवश्यक सेथिलागी रुषिया पाई ब्लाक सी बा कृष्ण सागर रो बेस्ट गुरुत्व रही। अन्य पक्षरे युक्रेन पाखरे मध्य सुदीर्घ तटरेखा रही लंब प्राय 1175 किलोमीटर बड़ कथा हूँ कृष्ण सागर जोठी भूमध्य सागर को संजोग युक्रेन को तुलनात्मक भाव निकट विश्वर एक तृतीयांश पण्य कारबार भूमध्य सागर दे होइताए कृष्ण सागर में रही युक्रेन अनेक बंदर यह मध्य रही क्रिमिया रो सेवास्टोपोल किंतु 2014 रे क्रिमिया को रुषिया दखल करने एबे एही बंदर उपरे अधिकार रुषिया पाखरे रही सेठारे थिबा युक्रेन नौसेना आडारे भी युक्रेन एक चतुर्थांश नौशक्ति थिला जहाँ अख्तियार कर सारी रुषिया कृष्ण सागर रु बाहर को जीवा आसीबा करबा लागि रहिछि गोटिए मात्र बाट बस्फरिस और डर्दानिलिस बंदर बाट दे भूमध्य सागर को कृष्ण सागर रु जीवा आसीबा करि हुए जहाँ उपरे रहिछि तुर्की रा अधिकार कृष्ण सागर को लागिछि 6टी देशर सीमा एमाने हेउछन्ती तुर्की बुल्गेरिया रोमानिया युक्रेन जर्जिया और रुषिया एहा मध्यरु 3टी देश तुर्की बुल्गेरिया और रोमानिया नाटोर सदस्य एबे जर्जिया और युक्रेन नाटो सदस्य होबा लागि आग्रही किंतु रुषिया सह नाटोर शत्रुता रही आसी सेथिलागि युक्रेन नाटो सह मिसिबा नै रुषिया रा आपत्ति रही कारण तुर्की बुल्गेरिया और रोमानिया सह युक्रेन नाटो रे शामिल हेले कृष्ण सागर रु समग्र पृथ्वी को खोलुथिबा एहि संकीर्ण पथ उपरे रुषिया रो शत्रुंक दबदबा बढ़ी जिवो जहां बढ़ाई देबो रुषिया रो अनेक समस्या एहि कारण रु ही 2014 रे रुषिया क्रिमिया दखल करथिला यहाद्वारा रुषिया कर्फस्ट्रेट उपरे निजर अधिकार जमाई परिला। कर्फस्ट्रेट हेउछि सेही छोट संकीर्ण जलपथ जहाँ उभय कृष्ण सागर और आजोब सागर को जोड़ी थाए पूर्वरु आजोब सागर युक्रेन अधिकार रे थिला एबे रुषिया ता उपरे मध्य निज अधिकार स्थापन कर सारी क्रिमिया अधिकार करी रुषिया एही अंचल रे निजर एकाधिपत्य जाहिर कर सारिबा परे एबे समग्र कृष्ण सागर को निज कब्जा को नेबाकु चाहुचि एथिरे युक्रेन उपरे रुषिया रा आधिपत्य बेस सहायक हेबो तबे अंतर्जातीय चाप जोगु रुषिया युक्रेन उपरे सीधा सळख कब्जा न करी परोक्षरे सेठारे निज सपक्षवादी सरकार प्रतिष्ठा करबाकु चाहुचि। एबे क्रिमिया उपरे रुषिया अधिकार थिबारु कर्फस्ट्रेट दे जहाजर जीवा आसीबाकु नियंत्रण संपूर्ण रुषिया कब्जार रहिछि
ଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ସାଗରରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ରୁଷିଆ ଲାଗି ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇପାରିଛି, ଯେଉଁଥିଲାଗି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଓଡ଼େସା, ମାରିଉପୁଲ, ବର୍ଡିଆନ୍ସକୁ ସହଜରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରୁଛି। ଡୋନବାସ୍ ବା ଲୁହାନ୍ସଠାରୁ ଏହା ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଏସବୁ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ରୁଷିଆର ସେହି ରଣନୀତିର ଅଂଶ, ଯାହା ତାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧନ କରିବ। ତୁର୍କୀ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି। ଏବେ କୃଷ୍ଣସାଗରର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷିଆ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିପାରିଲେ ଏହା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ରୁଷିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ, ପରେ ସ୍ଥଳଭାଗ, ଆଉ ଏବେ ଜଳପଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶକୁ ବାରୁଦର ଗନ୍ଧରେ ଭରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି ଏକ ମହାବିପଦ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ହେବ ସେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।